क्या होगा जब दुनिया के सबसे बड़े और मोस्ट डेंजरस स्नेक एनाकोंडा का सामना खूंखार गोरिल्ला के साथ होगा। एक तरफ है दुनिया का सबसे विशालकाय सांप, तो दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोरिल्ला और एनाकोंडा की फाइट का विनर कौन होगा, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें गोरिल्ला की, तो ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक हो, मतलब कि हरियाली वाले जंगलों में रहना पसंद करते हैं। गोरिल्ला ज्यादातर नाइजीरिया या फिर साउथ अफ्रीका के मैदानी जंगलों में पाया जाता है। अगर बात करें गोरिल्ला की हाइट की, तो एक वयस्क गोरिल्ला की हाइट लगभग 5.5 फीट से लेकर 6 फीट तक हो सकती है। गोरिल्ला इंसानों की तरह ही अपने दो पैरों पर खड़े होकर चल सकता है। इसके साथ ही गोरिल्ला को इंसानों के बाद सबसे तेज दिमाग वाले जानवर के रूप में भी जाना जाता है। गोरिल्ला का वजन 160 किलोग्राम तक हो सकता है। आपको बता दें कि गोरिल्ला वैसे सिर्फ पेड़ों की पत्तियां और फल खाना ही पसंद करते हैं और अपना पेट इन्हीं से भरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये दूसरे जानवरों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते भैया। ये हमेशा अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और अगर किसी पे हमला भी करते हैं तो ग्रुप में ही अटैक करते हैं। गोरिल्ला के अटैक करने के तरीके बड़े अनोखे होते हैं। इंसान भी अक्सर युद्ध के मैदान में गोरिल्ला नीति से दुश्मन पर अटैक करते हुए देखे जाते हैं। गोरिल्ला पहले अपने ग्रुप को तैयार करते हैं और फिर घात लगाकर अचानक से अपने दुश्मन पर अटैक कर देते हैं। ऐसे में दुश्मन के पास खुद को बचाने का कोई भी मौका नहीं बचता है। इस तरह से कई बार गोरिल्ला अपने से कई गुना बड़े और खतरनाक जानवरों को भी मात देने का हुनर रखते हैं। दोस्तों, इनका दूसरा प्लस पॉइंट है इनका IQ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि गोरिल्ला को सबसे होशियार जानवर के रूप में भी जाना जाता है। इनका IQ लेवल इंसानों के बाद सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में गोरिल्ला से जंग जीतना किसी भी दूसरे जानवर के लिए आसान काम नहीं है, इसीलिए जंगल के बेहद खतरनाक जीव भी गोरिल्ला के रडार में आने से बचते हैं। अगर बात करें एनाकोंडा की, तो इसे सांपों का राजा कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। भले ही एनाकोंडा विशाला नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने विशालकाय शरीर की वजह से इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के लिस्ट में होती है। एनाकोंडा की लेंथ लगभग 15 से 17.1 फीट तक हो सकती है। वैसे अब तक धरती पर पाए गए सबसे बड़े एनाकोंडा की लेंथ तकरीबन 33 फीट तक मापी गई है। वहीं इसका वजन की बात करें तो वजन तकरीबन 400 किलोग्राम तक था, लेकिन ये सबसे विशाल का एनाकोंडा की बात है। नॉर्मली एनाकोंडा का एवरेज वेट 70 से 97 किलोग्राम के बीच हो सकता है। दोस्तों, एनाकोंडा ज्यादातर साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वहाँ काफी नमी होती है। ऐसे में एनाकोंडा के रहने के लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर होता है। एनाकोंडा के पास वेनम नहीं होता है, इसीलिए इसका शिकार करने का तरीका भी अनोखा ही है। ये अपने शिकार पर अटैक करके उसे अपने शरीर से जकड़ लेता है, मतलब ये अपने शिकार के ऊपर लिपट जाता है और फिर जैसे जैसे आप सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये अपनी पकड़ और मजबूत करता चला जाएगा। कुछ ही सेकंड में ये आपको इतनी बुरी तरीके से जकड़ लेगा कि आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा और फिर आपको खुद ही पसलियों के टूटने की भी आवाज सुनाई देने लगेगी। अंत में जब शिकार की जान चली जाती है, तब ये उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। दोस्तों, एनाकोंडा मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकता है। ऐसे में उसके लिए अपने शिकार का पीछा करना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल एनाकोंडा एक ही जगह पर छुपा हुआ रहता है और वो अपने शिकार के खुद चलकर आने का इंतजार करता है। अब अगर बात करें एनाकोंडा और गोरिल्ला की फाइट की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही जानवरों का लिविंग एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। ऐसे में इनका सामना होना नामुमकिन है। गोरिल्ला जहाँ काफी तेज तर्रार और फुर्तीला जानवर है, वहीं एनाकोंडा बहुत सुस्त है। ऐसे में इन दोनों का आमना सामना तभी होगा जब कभी गोरिल्ला गलती से एनाकोंडा के एरिया में जाकर उसके चुंगल में फंस जाएगा। एनाकोंडा भले ही दुनिया का सबसे बड़ा और विशालकाय सांप के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी गोरिल्ला जैसे तेज तर्रार जानवर के सामना करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एनाकोंडा भले ही दुनिया के सबसे बड़े और विशालकाय सांप के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी गोरिल्ला जैसे तेज तर्रार जानवर का सामना करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एनाकोंडा के पास अपने शिकार को मारने का एक ही तरीका है और वो भी तब कारगर होता है जब शिकार के चंगुल में फंस जाए। एनाकोंडा ज्यादातर छोटे जीव और मछलियों आदि को ही खुद से जकड़कर उसकी जान ले सकता है। अगर बात करें गोरिल्ला जैसे 6 फीट लंबे जीव की,
तो उसे अपने वश में करना एनाकोंडा के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि गोरिल्ला के पास है फुर्ती और बेहद खतरनाक नाखून। अपने नुकीले नाखून से वो एनाकोंडा की पतली स्किन को एक झटके में फाड़ सकता है। गोरिल्ला का एक ही बार एनाकोंडा को मौत के लिए सुलाने के लिए काफी है। वैसे तो गोरिल्ला हमेशा ग्रुप में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अकेले गोरिल्ला की बात कर रहे हैं। अकेला गोरिल्ला को भी पकड़कर उसकी बॉडी को जकड़ पाना एनाकोंडा के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं अगर गोरिल्ला अपने ग्रुप में है तो फिर एनाकोंडा के लिए ये काम असंभव सा हो जाता है। वैसे एनाकोंडा बहुत ही धैर्य वाला जीव है, वो अपने स्थान पर चुप्पी मार कर बैठा रहता है और अपने शिकार के खुद ही चल कर आने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करता रहता है। ऐसे में अगर उसने किसी तरह से गोरिल्ला के शरीर को जकड़ कर उसके हाथ पर बांध दिए तो फिर गोरिल्ला को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में भी महज 5% ही चांसेस है कि एनाकोंडा गोरिल्ला को अपना शिकार बना सके, क्योंकि गोरिल्ला बहुत ही एक्टिव एनिमल है। खुद को एनाकोंडा से जकड़ा हुआ देखकर अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करते हुए एनाकोंडा पर अटैक करना शुरू कर देगा और गोरिल्ला के पंजों का एक भी बार एनाकोंडा के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस जंग में जीत गोरिल्ला की ही होगी, क्योंकि उसके पास बल और फुर्ती के साथ ही बुद्धि भी है, जबकि एनाकोंडा एक बेहद विशाल काय लेकिन सुस्त जानवर है और गोरिल्ला की तुलना में उसका IQ भी बहुत कम है। वैसे आपके अनुसार इस फाइट का विनर कौन होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे भैया।